हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरजे। आप देख रहे हैं फिनोमिनल आरजे रसल चैनल। एक तरफ है 7 फीट 3 ऑलमोस्ट, दूसरी तरफ है 6 फुट 10 कमांडर अजीज। तो देखो, इनका मैच हमको देखने को मिला था मंडे नाइट रॉ में और ये काफ़ी बढ़िया मैच था, लेकिन WWE ने सबसे बढ़िया दिखाया ऑलमोस्ट को। लेकिन ऑलमोस्ट को भी पता चला कि उनके साइज के सुपरस्टार के साथ मैच रेसल करके कैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मशक्कत की थी इस मैच में। जब उन्होंने सुप्लेक्स लगाया था कमांडर अजीज को, तो वो ठीक से उठा नहीं पा रहे थे कमांडर अजीज को, और हमको पता लग गया कि ऑलमोस्ट में काफ़ी ताकत नहीं है। जिस तरीके से एक अंडरटेकर उठाते थे, जिस तरीके से ग्रेट खली उठाते थे, उस तरीके की ताकत ऑलमोस्ट के पास नहीं है, ये हमको पता लग चुका है। क्योंकि कमांडर अजीज को उठाते टाइम वो काफ़ी मशक्कत कर रहे थे। लेकिन हम बात करें इनके मैच की, तो इनके मैच में कमांडर अजीज को WWE में बहुत ही लुल दिखाया है उस मैच में, और ऑलमोस्ट को बुरी तरीके से डोमिनेट सुपरस्टार दिखाया है। ऑलमोस्ट ने लगाया अपना डबल हैंड चॉक स्लैम और उन्होंने हरा दिया कमांडर अजीज को और विक्ट्री हासिल की। लेकिन हम देखें तो मुझे लगता है कि इनका मैच रेसलमेनिया वर्दी मैच होना चाहिए था, क्योंकि ये मैच काफ़ी बड़ा है, दो जायंट सुपरस्टार है, क्योंकि दो जायंट सुपरस्टार है तो रेसलमेनिया में बहुत बड़ा मैच हो सकता है। और मुझे लगता है कि WWE इसमें भी ऑलमोस्ट को ही जिताएंगे। आपका ओपिनियन क्या है कि कमांडर अजीज को आप जीतते हुए देखोगे या फिर आप देखोगे ऑलमोस्ट को जीतते हुए? तो आपका ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी है इसी चैनल पे है और कहीं नहीं। धन्यवाद।